कहीं साइक्लोन है तो कहीं भारी बारिश। वेल, उड़ीसा वेस्ट बंगाल में जहां साइक्लोन दाना का खतरा मंडरा रहा है, तो वहीं कर्नाटका में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कर्नाटका में कहीं बारिश की वजह से बिल्डिंग्स गिर रही है तो कहीं कमर तक पानी जम गया है। इंडिया के टेक सिटी बेंगलुरु से क्या कुछ खबरें आई हैं बारिश से रिलेटेड, चली जाते हैं इस रिपोर्ट में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। बेंगलुरु सहित कर्नाटका के कई हिस्सों में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उत्तर बेंगलुरु के येलहांका और आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। येलहांका के केंद्र विहार में कमर तक पानी भर गया है। राहत और बचाव कर्मियों ने नाव की मदद से लोगों को बाहर निकाला है। कर्नाटका में भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश ने सबसे ज्यादा कहर बेंगलुरु में मचाया है। यहाँ पानी से बाढ़ जैसी हालत हो गई है। शहर में ट्रैफिक बुरी तरह से इफेक्ट हुआ है। बेंगलुरु में कई निचले इलाके यानी लो लाइंग एरियाज में वाटर लॉगिंग हो गया है, जिससे रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है। शहर में यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। मुख्य सड़कों पर पानी भर गया है, गड्ढे हो गए हैं, जिस वजह से 2-व्हीलर्स के राइडर्स को परेशानी झेलनी पड़ रही है। निचले इलाकों में कई मकानों में पानी घुस गया है और पास के झीलों में पानी उफन रहा है। वाहनों और इलेक्ट्रिक पोल्स को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है इस पूरे वाटर लॉगिंग सिनेरियो से। आपको बता दें, भारी बारिश के कारण बेंगलुरु में 22 अक्टूबर को एक अंडर कंस्ट्रक्शन 7 मंजिला इमारत गिर गई। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। मलबे के अंदर 21 लोग फंसे हुए थे, जिनमें से 13 लोगों को बचाया गया है। वहीं 3 लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम ने मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। आज सुबह यानी बुधवार की सुबह डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलाई गई। मलबा हटाने के लिए टीम ने बड़ी मशीनें भी मंगवाई हैं। कर्नाटका में इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष दल जेडीएस ने कांग्रेस पर बेंगलुरु की दुर्दशा करने का आरोप लगाया है, तो वहीं डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवकुमार ने कहा है कि आपने देखा ही होगा दुबई और दिल्ली में क्या हो रहा है। देश के कई हिस्सों में ऐसी ही स्थिति है। हम प्रकृति को नहीं रोक सकते, लेकिन हम उसे मैनेज कर सकते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा है कि इमारत 60x40 जमीन पर अवैध रूप से बनाई जा रही थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। We are taking Congress, the government is filing a case on everyone. It may be including the official, the contractor and the landowner, whoever may be responsible for this, all will be under the law. Meanwhile, additional commissioner ने बताया है कि 5 मृतकों में से 3 मजदूर बिहार के रहने वाले थे। इनकी पहचान हरमन, जो कि 26 साल का था, त्रिपाल, जो कि 35 ईयर ओल्ड था, और मोहम्मद साहिल, जो 19 साल का था, इस रूप में हुई है। इस पूरे सिचुएशन पर इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने कहा है कि चिकबलपुर, चिकमंगलूर, कोलार, बेंगलुरु शहरी, बेंगलुरु ग्रामीण जिलों में अलग अलग स्थानों पर बादल गरजने के साथ साथ हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा उत्तर कन्नड़ा, उदुपी, धरवाद, गागदग, बेलागवी, हावेरी, देवांगिरी, बलारी, मांड्या, मैसूरु, रामनगरा जैसे जिलों में अलग अलग जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। वेल, सीम्स लाइक भारत में नेचुरल कैलमिटीज का दौर जारी है। इसी बीच पॉलिटिक्स अपनी चरम सीमा पर है। दिल्ली में एयर क्वालिटी डिग्रेड होती है हर साल। बारिश, बाढ़ और साइक्लोन आजकल काफी फ्रीक्वेंट हो गए हैं, और ये सब वो असल मुद्दे हैं जिन पर शासन और प्रशासन को गौर फरमाना चाहिए। बेंगलुरु बारिश से जुड़ी बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप स्विच पर नजर बनाए रखें।